दरवाजा खोलो। खोलते हो या तोड़ दूं? आई भाईजान आई। खोलो। डॉक्टर जॉन कम ऑन, आपने इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, कहाँ है तुम्हारा मर्द शेख चिल्ली? अजी इस घर में कोई मर्द नहीं है, बाहर जा रहे हैं। इस घर में तो हम दो ही औरतें हैं। दो औरतें? हाँ जी हाँ, तभी तो दरवाजे नहीं खोला हमने। मगर घर तो शेख चिल्ली का है, दो औरतें कहाँ से आ गई? खाला खाला ना फूफो है, फूफी है। क्या खाला फूफो कौन है? एक बताओ, सच सच बताओ कौन है ये? अजी ये हमारी फूफी है, चार दिन से आई हुई है, बीमार है, इनसे तो उठा भी ना जा रहा। सर जिस घर में दो औरतें रहती हों उस घर में कम से कम एक की नसबंदी करनी पड़ेगी। चलो एक चलो, या तो अपनी फूफो को भेजो या आप चलो। क्या एक की नसबंदी? कहाँ जा रही है फूफो? बाथरूम जा रही। कभी पेट में दर्द जाते रहे, कभी पंखा उखल जा, कुछ बीमारियां दे रहे। सर शेख चिल्ली भाग रहा है, देखो उधर। शेख चिल्ली, डॉक्टर जॉन, डॉक्टर खुराना, पकड़ो उसे, जहाँ भी मिले नसबंदी कर दो। चलो भाग ले शेखू, बचा ले। जंगलों में भागूंगा, जंगलों में चढ़ जाऊंगा, ताले चढ़ जाऊंगा जंगलों में जाकर। अरे आ जाओ ताले, हाथ नहीं आऊं, भाग जाऊंगा जंगलों में, भाग जाऊंगा ताले, ईखों में पड़ जाऊंगा जाकर। ताले आ जाओ ताले। अबे रुक जा, रुक जा, आ जाओ ताले, आ जाओ। छोड़ी ना रे पीछा देखो। यार आज बचा दे, आज बचा ले तो साले जंगलों में भाग जाओ, आप लोग भी जाओ, यही मर जाओ, यही तो मर जाओ। अरे साले कहाँ गया? अभी तक तो यही था, अभी तक तो। सर यहाँ कहीं सांप वाप ना हो। सर हम तो भाग भाग के थक लिए। साले मैं हाथ आने वाला नहीं हूँ, जंगल का तो मैं हिरन हूँ, हिरन तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। साले थक दूंगा पूरा, मेरा नाम शेख है साले। मेरा सांस ही ऊपर नीचे घो रहा। ठीक है छुट्टी का टाइम तो होगा, चलो वापसी चल रहे हैं, फिर देख लेंगे। चल हद तेरी, भागम भाग में ही थक गए। ओबे निकल तो गए साले, निकल जाओ साले। आए देखता हूँ साले, सीधे जा रहे हैं, निकल जाओ बेटा, निकल जाओ। शेख चिल्ली को पकड़ोगे बेटा, निकल ले, इधर को निकल ले। या अल्लाह शेख जी भाग तो गए, कहीं डॉक्टरों के हाथ ना आ जाए। अगर वो डॉक्टर के हाथ, ओए इसे क्या हो गया? ओए रुखसाना कैसे बैठी है? शेख जी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे तू ठीक नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो डर लग रहा था कहीं वो नसबंदी वाले। रुखसाना मैं सालों के हाथ ही नहीं आया। मगर वो कभी भी आ सकते हैं, तुम चौकस रहना। मैं तो ठीक हूँ रुखसाना, तू ऐसा कर, मुझे भूख लग रही है,
रोटी ला दे, रोटी ला दे। शेख जी, रोटी तो आज मैंने पकाई नहीं। एक बात कहूँ? हाँ, क्या क्या? आज रोटी तुम पका लो और मुझे 5 रुपए दे दो, मुझे हारून की बहू का मुंह देख के आना है। वाह, रोटी मैं पकाऊंगा, तू बहू का मुंह देख के आएगी? रोटी पक जाएगी क्या? हाँ हाँ, जैसी भी पके पका लेना, मैं अभी बहू का मुंह देख के आ जाऊंगी। ठीक है, मगर जैसी पके खा लियो, कभी मैं मेरे से लड़े। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। देख ले, अगर तेने कुछ कहा ना तो तेरा बक्कल तार दूंगा। मुझे मंजूर है, अब लाओ 5 रुपए। 5 की बजाय तो 10 ले जा, ले जा। देख हारून की बहू का मुंह। तुम कितने अच्छे हो ना। ओए, चोंचले कर रही है साली, चोंचले कर रही है। 10 रुपए में दिखा दे हारून की बहू मुंह, हैं? 10 रुपए लगेंगे। ओबे, रोटी पकाऊं कैसे, मुझे क्या करना चाहिए? ओ, पहले चूल्हा जलाता हूँ, उसके बाद कुछ करूंगा। ठीक है, देख हारून की बहू का मुंह, मैं तो इधर रोटी पकावा दूंगा। अरे क्या बात है, रोज पकाते रुक जाना, मैं आज पका दूंगा तो क्या है। आओ कर दूंगा, चूल्हे को पूरा भर दूंगा। ए ले, इधर भी आ जा, जला दूंगा। जला ले साली, ओ इधर, ओ गिर रही है, गिर रही है साली। हाँ, ये ले, भर गया। ओबे, अब जलाऊं कैसे? ओबे, रुखसाना भी पता नहीं माचिस कहाँ रख गई, यहाँ रखती है। ओ, रखी है, ठीक है, अब जला देता हूँ। ले ले भाई, जल जा, जल जा, नहीं जल रही, ठीक है, जलेगी। ए ले, जल जा, जल जा। हाँ, इतनी फुकवाएगी। जल क्यों नहीं रही? ओ, अब समझा, रुखसाना आटा गूंथती है पहले, साली आटे को देख के जलेगी। ठीक है, मैं भी आटा गूंथता हूँ पहले, आटा घुलता हूँ आटा। ठीक है, अब जलेगी, अब जल जाएगी आग। अब ऐसा करता हूँ, पहले आटा, ठीक है, ये सही है, आटा गूंद कर जब जलाऊंगा, जब जलेगी साली जान है। अब देख, अब जलेगी, अब जलेगी, आटे को देख कर जलेगी साले जान है। चूल्हा भी आटे को देख कर जलेगी। अब ठीक है, अब जलाऊंगा, लकड़ी लगाऊंगा, लकड़ी लगा के जलाऊंगा। जलेगी, ले, जल जा, जल जा। नहीं जली, मैं जल नहीं रही, जल जल जा, जल जा, जल जाएगी, जल जाएगी। जल नहीं रही, आटा भी गूंद लिया मैंने, कम न कम मुझे भी कहाँ फांस गई। वह जल जा कम न कम, वह लकड़ी, वह सारा चूल्हा भी फूट गया और आटा भी पतला हो गया। अब क्या करूं? ठीक है, इतना नुकसान आया कि साले को इसी भाग फेंक देता हूं। अबे कौन कम्मा खाता है? अबे साले, इकबाल की आवाज ही लग रही है। कभी भाभी ने तो नहीं डाल दिया, सारे कपड़े खराब कर दिए। रुखसाना भी साली नए नए लफड़ों में फंस गई मुझे। भाभी तुम यहाँ, इसका मतलब शेख चिल्ली करामात है। भाईजन, ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये सब तुम्हारे शेख चिल्ली करामात है, उसी ने सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। शेख जी की? भाईजन, अगर यही बात है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी की कोई बात नहीं है, समझा लेना उसको।